हेलो एंड वेलकम टू हेल्थियर, आपकी अच्छी सेहत का साथी। आजकल के समय में कार्ब्स को बहुत बुरा माना जाता है क्योंकि बहुत सी कंपनियां अपने लो कार्ब्स प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए और लाभ अर्जित करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को बहुत बुरा बताते हैं, क्योंकि इनका मुख्य टारगेट वह लोग हैं जो मोटापे से पीड़ित होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने का बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं और असल में हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत भी कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। खासकर भारतीय भोजन में लगभग 50-60% तक ऊर्जा कार्बोज के माध्यम से ही प्राप्त होती है। खासकर जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं उनके लिए इतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भोजन में होना आवश्यक होता है। यदि आप भी उनमें से हैं जो कार्ब्स को बुरा मानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के क्या प्रकार होते हैं और फिर देखेंगे अच्छे कार्बोहाइड्रेट में समृद्ध खाद्य पदार्थ जो आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। चीनी, स्टार्च और फाइबर जैसे तत्व जो हमारे भोजन जैसे कि सब्जियां, फल और दूध से बने प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, उन तत्वों को कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। हालांकि आजकल लोग इन तत्वों के महत्व से अनजान हैं, लेकिन इसकी जरूरत हमारे शरीर को बहुत ज्यादा होती है। शरीर में अच्छे कार्बोहाइड्रेट द्वारा चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, साथ ही यह हमारे डाइजेशन और नर्वस सिस्टम को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में भी मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, अच्छा कार्बोहाइड्रेट जिसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। अच्छे कार्ब्स में समृद्ध फूड्स में फाइबर और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। यही नहीं, अच्छे कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध खाद्य पदार्थों में कम कैलोरी भी होती है जिससे मोटापा नहीं बढ़ता और साथ ही शरीर में चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को ठीक से काम करने में भी ये मदद करते हैं। दूसरा होता है बैड कार्बोहाइड्रेट फूड्स, जिन्हें सिंपल कार्ब्स भी कहा जाता है। जिन खाद्य पदार्थों में बैड कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें फाइबर और पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे खाद्य पदार्थों में अधिक कैलोरी होती है जिससे मोटापा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही यह शरीर का ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ा देता है जिसकी वजह से धीरे धीरे व्यक्ति थका हुआ महसूस करने लगता है। आइए अब देखते हैं अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ स्रोत। ब्राउन राइस यानी कि भूरे चावल। ब्राउन राइस सफेद चावल से बेहतर होते हैं क्योंकि इनमें मैग्नीशियम और सेलेनियम की प्रचुर मात्रा होती है। अगर आप रोजाना 100 ग्राम चावल का सेवन करते हैं तो इससे लगभग 80% दैनिक कार्ब्स की पूर्ति हो जाती है। यही नहीं, ब्राउन राइस हृदय संबंधित बीमारियों से दूर रखने में भी असरदार होता है। गाजर। गाजर बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स में समृद्ध होती है और यह अच्छे कार्ब्स का भी एक उत्तम स्रोत है। इसका सेवन करने से कर्क रोग से दूर रहा जा सकता है। गाजर को कच्चा खाना ही बहुत फायदेमंद होता है। राजमा, किडनी बीन्स। राजमा में अल्फा एमिलीज नामक एक तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर में स्टार्च को शुगर में परिवर्तित होने से बचाता है, साथ ही यह वजन घटाने में भी बहुत लाभकारी होता है। यही नहीं, राजमा का सेवन करने से दिल संबंधित रोग भी दूर रहते हैं। गेहूं का आटा। गेहूं उत्तरी भारत का मुख्य खाद्य पदार्थ है। इसमें लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। गेहूं में भारी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जिसके चलते हमारा भोजन आराम से पच जाता है। इसके अलावा गेहूं में बहुत से और भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि प्रोटीन, मैंगनीज, फॉस्फोरस आदि। गेहूं आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, लेकिन इसका बहुत अधिक सेवन भी नहीं करना चाहिए। खजूर, डेट्स। खजूर खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होते ही हैं, साथ ही इसमें लगभग 67% कार्बोज मौजूद होता है। प्रत्येक 100 ग्राम खजूर का सेवन करने से आपको लगभग 280 कैलोरी प्राप्त होती है। साथ ही यह विटामिन्स और मिनरल्स का भी बहुत अच्छा स्रोत है। इसका सेवन करने से आपके शरीर में कार्ब्स की पूर्ति हो जाती है, साथ ही आपको बहुत से स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। लेकिन डेट्स बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाने चाहिए। आलू, पोटैटो। आलू में ऐसे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करते हैं, साथ ही हमारे दिल को भी सुरक्षित रखते हैं। आलू में लगभग 20% कार्बोज के साथ साथ पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आलू का सेवन रक्तचाप को भी नियंत्रित रखता है। जो लोग दुबले पतले होते हैं उनको तो आलू का सेवन जरूर करना चाहिए। आलू में मौजूद विटामिन सी के कारण हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है और हम चुस्त दुरुस्त रहते हैं। केला, बनाना। जब कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत की बात आती है
तो केला सबसे बेहतरीन खाद्य पदार्थ में से एक है। इसका सेवन करने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। केले में लगभग 25% कार्बोज होता है और हर 100 ग्राम केले का सेवन करने से आपको लगभग 102 कैलोरी प्राप्त होती हैं। केले में फाइबर भी पाया जाता है जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन भी स्वस्थ बना रहता है। हाई कैलोरी के कारण ज्यादा केले का सेवन करने से वजन बढ़ सकता है। नट्स जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट आदि में मैग्नीशियम और मैंगनीज की मात्रा भरपूर होती है। साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जिसके चलते हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहता है। इनको खाने का सबसे अच्छा समय है सुबह। रोजाना सुबह उठते ही नट्स का सेवन करने से आपको बहुत फायदा होगा। हरे चने, ग्रीन ग्राम्स, हरे चने का सेवन करने से भी आपको लगभग 59.9% कार्बोज प्राप्त होता है। इसका सेवन करने से आपकी दृष्टि बेहतर बनती है। हरे चने प्रोटीन और फाइबर में संपूर्ण होते हैं। हरे चनों के सीजन में आपको इनका सेवन जरूर करना चाहिए। आम, मैंगो, आम को फलों का राजा कहा जाता है। इनमें लगभग 16% कार्ब्स मौजूद होता है। आम का सेवन करते ही तुरंत शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। लगभग 100 ग्राम आम में 80 कैलोरी होती है। इसके अलावा आम कॉपर, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे खनिजों का भी बहुत बढ़िया स्रोत है। इन खाद्य पदार्थों के अलावा कुछ और भी फूड्स हैं जिनमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि अंजीर, अंगूर, सेब, तरबूज आदि। अब देखते हैं खराब कार्बोहाइड्रेट या बैड कार्बोहाइड्रेट के कुछ मुख्य स्रोत। ब्रेड, बिस्किट, सफेद चावल, पेस्ट्रीज, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि। अच्छे कार्बोहाइड्रेट में समृद्ध खाद्य पदार्थ भी मॉडरेशन में लिए जाने चाहिए। अधिक मात्रा में यदि कुछ अच्छे कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ खाए जाएं, तो यह आपका मोटापा बढ़ा सकते हैं। अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में शामिल करना उचित है, लेकिन किसी भी चीज की अति करना शरीर के लिए खराब हो सकता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो सहायक और जानकारी पूर्ण लगा है, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।